अब साउंड आ रही है, अब आ रही है साउंड। चलिए ठीक है, आई थिंक अब ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। हाँ तो देखिए, आज का क्वेश्चन जो हमारा है वो किस पर है, ब्रेन के ऊपर है। ब्रेन के ऊपर हम लोग आज सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आज का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट, मानव वयस्क मस्तिष्क का वजन कितना है, जवाब दीजिए और शेयर सभी बच्चे कर दीजिए वीडियो को। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम कुमार जी, नवीन विश्वकर्मा जी, पप्पू सैनी जी, सीमा महापुर जी, रानी देवी जी, काजू चौहान जी, ज्योति कनौजिया जी, सभी बच्चे जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, पवित्रा प्रधान जी, बहुत अच्छे। निशु धत्तेरवाल जी, बहुत बढ़िया। के पायवर जी, बहुत बढ़िया। डेली होता है अर्पिता सरकार जी, वहाँ पर आज ही नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जब बात करते हैं इस सवाल की, इस सवाल का सही उत्तर क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है इसका सही उत्तर है क्या? दैट इज ऑप्शन ए, 1300 टू 1400 ग्राम होता है। और ब्रेन की जो स्टडी होती है ना, ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। हमारा प्रश्न है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर किधर है, फटाफट जवाब देंगे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर किधर है, फटाफट जवाब दीजिएगा आप दोस्तों। ये याद रखेंगे, नेशनल सेलुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये याद रखिएगा, पुणे में है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, दिस इज इन हैदराबाद, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर किधर है ये आप बताइएगा। ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहां पर है बताइए आप लोग सभी बच्चे। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भाई साहब किधर है, ये है मानेसर हरियाणा में, किधर है, मानेसर हरियाणा। अगले सवाल पर चलेंगे, विच आर द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, यानी कि इसमें से किसके पास तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, यह आपको बताना है। साथ साथ सभी बच्चे लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं शेयर और लाइक कर देगा, बहुत बढ़िया। पूजा शेखावत जी, तपन कच्चप जी, के पायवर जी, बहुत बढ़िया। अलका चौरसिया जी, वेरी गुड। जब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लीच हो या स्नेल हो, ये सभी सांस किससे लेते हैं, ये सभी सांस लेते हैं स्किन से, वही स्किन जो हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, और वही स्किन जिसमें तीन लेयर भी होते हैं, वही स्किन जिसकी स्टडी को हम लोग क्या, डर्मेटोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पर जिस जानवर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है ना, वो क्या है दोस्तों, वह है अमीबा। और अमीबा के अंदर कोशिका कैसी पाई जाती है, याद रखेंगे इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या, अविकसित कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, यानी इसके अंदर प्रिमिटिव सेल्स पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हेलो बबीता जी, जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन, यानी इसमें से किस जीव में श्वसन अंग तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें से किसमें से श्वसन अंग है लेकिन मस्तिष्क नहीं है, क्रैब, स्टार फिश, ब्लड सक या सिल्वर फिश, जल्दी से जवाब देंगे और शेयर करते रहें सभी बच्चे वीडियो को, वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहें। वेरी गुड, शिखा राजपूत जी, दिलीप कुमार जी, शिवम हापुर जी, बहुत बढ़िया। विष्णु प्रसाद भुए जी, वेरी गुड। यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की, सबसे पहले तो श्वसन तंत्र जो है ना, इसका सबसे मुख्य अंग कौन सा है श्वसन तंत्र का, वह है हमारा क्या, वह है हमारा लंग्स। और याद रखिएगा इसमें जो स्टार फिश है ना, स्टार फिश के बारे में याद रखेंगे, इसके पास श्वसन अंग तो होता है लेकिन इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास मस्तिष्क नहीं होता। और फिश से याद रखिएगा, फिश की स्टडी क्या, इक्थायोलॉजी, फिश का पालन क्या, पीसी कल्चर है ना। और नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ,
हैदराबाद में, और ये नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर, ये भी हैदराबाद में। और याद रखिएगा, फिश के रिवॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए, फिश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति आई थी। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, जैसे गर्म चीज़ को छूकर हाथ हटा लेना, ठीक है, सांप को देखकर पीछे हट जाना, नाक में कुछ चले जाने पर छींक आ जाना, इस प्रकार की जो गतिविधि होती है उसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इस रिफ्लेक्स एक्शन का किसका को क्या कौन कंट्रोल करता है, इस रिफ्लेक्स एक्शन को, ये आपको बताना है, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से इसका जवाब देंगे। ब्रेन करता है, स्पिनल कॉर्ड करता है, नर्व करता है, या सेल करता है, ठीक है, या द सेल। फटाफट जवाब दीजिएगा यहाँ पर जल्दी से, और शेयर भी करते रहें, सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी करते रहिए। यहाँ पर जब बात करते हैं सेल की, सेल की खोज किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने करी है। और जो नर्व सेल होता है ना, नर्व सेल या जिसे न्यूरॉन कहते हैं, ये सबसे लंबी कोशिका होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करने वाले अंग का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम है इसका, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग मेरु रज्जू कहते हैं। मेरु रज्जू इसका क्या है दोस्तों, सही उत्तर है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे आप लोग वीडियो को। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लीवर, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक पैनक्रियाज, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, इन सभी चीज़ों के मतलब इन सभी अंग को, इंटरनल अंग्स लाइक किडनी, इन सभी अंगों को नियंत्रित कौन करता है, कौन सा तंत्रिका तंत्र का हिस्सा इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम, सेरेबेलम, या मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। जल्दी से इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। स्पाइनल कॉर्ड की अभी अभी बात करी, इसने ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। सेरेब्रम जो होता है ये सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का केंद्र होता है, हमारे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेब्रम। ये सेरेब्रम जो होता है ये कंट्रोल सेंटर होता है हमारे बॉडी का, यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, ये हार्ट बीट को, पल्स रेट को, है ना, ब्लड प्रेशर को, किसे, श्वसन दर को, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है भाई साहब, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, मेडुला। हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद अगले सवाल की, अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल, ईईजी रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ईईजी रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर करते रहें सभी बच्चे वीडियो को। हाँ, बीच में कुछ सेकंड के लिए बफर हो गया था वीडियो, कोई बात नहीं है, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। ईईजी रिकॉर्ड्स द गतिविधि ऑफ, किसका गतिविधि रिकॉर्ड करता है, हार्ट का कौन करता है भाई साहब, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहते हैं। इसकी गतिविधि रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा कोई टर्म नहीं है, ठीक है। जो मसल्स होता है, मसल्स के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है, ईएमजी होता है, और ब्रेन के लिए क्या होता है, ईईजी। इस ईईजी का मतलब क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफी। क्या है इसका मतलब, इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफी इस ईईजी का पूरा मतलब होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रेन इज द राइट आंसर, ठीक है। शेयर करते रहेंगे सभी बच्चे। जब मसल्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा, मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, मायोलॉजी। मसल्स में प्रोटीन कौन सा, मायोसिन एंड एक्टिन। सबसे लार्जेस्ट मसल्स जो होता है वो होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल्स। सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है, स्टेपेडियस। और हमारा प्रश्न है आपसे, सबसे जो लंबी मसल्स होती है उसका नाम भी मैं बता रहा हूँ, सार्टोरियस, या जिसे दीर्घतमा कहते हैं। मसल्स की संख्या कितनी होती है आपको ये बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी।
हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है ये आप बताएं, और शेयर करते रहें सभी बच्चे, लाइक करते रहें जितने भी बच्चे देख रहे हैं, लाइक और शेयर करते रहिए सभी बच्चे वीडियो को, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले सवाल के ऊपर, ठीक है। प्रियंका सिंह जी, सबसे लंबी बोन है फीमर, बोन जो है ना सबसे लंबी बोन है फीमर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है हमारे पास 639। जो मसल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 639 इज द नंबर ऑफ मसल्स। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। वर्ल्ड हर्ट डे याद रखिएगा दोस्तों, 29 सितंबर को मनाते हैं, और हर्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। और हर्ट का वेट कितना होता है तो याद रखिएगा, इसका वेट होता है 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में, हर्ट का वेट होता है। अगले सवाल पर चलते हैं, द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडीज एक्सरसाइज बाय, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण व्यायाम किसके द्वारा होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा या हाइपोथैलेमस। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मेरा ड्रोमोन जी, बहुत अच्छे, जी के शर्मा जी, कुसुम सिंह जी, अनुराय जी, आर्टा मेहर जी, रवि सैनी जी, योगेंद्र नैयर जी, धारा सिंह जी, सभी बच्चे जवाब देते रहें जितने भी बच्चे देख रहे हैं, और शेयर भी करते रहें सभी बच्चे वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस की, ये भूख तथा प्यास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये प्यार एवं घृणा का केंद्र होता है। टेम्परेचर को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। और ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। यहाँ पर जो श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया रेस्पिरेटरी रेट को कौन नियंत्रित करता है भाई साहब, उसे नियंत्रित करने वाला अंग है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। कौन करता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और हमारा जो श्वसन होता है ना, श्वसन के दौरान एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारा सवाल यह है आपसे कि जो इस एटीपी का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है, दिस एटीपी इज फॉर्मड इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में इस एटीपी का निर्माण किधर होता है ये आपको बताना है, और साथ साथ सभी को शेयर भी करते रहना है, ठीक है ना। वीडियो को सभी बच्चे शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, ठीक है ना। जल्दी से बताइए एटीपी का निर्माण किधर होता है हमारे शरीर में। पिट्यूटरी ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं होता है सरिता जी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है, वही लीवर जिसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेपेटोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, एटीपी का निर्माण कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी खोज किसने करी है, इसकी खोज करी है अल्टमैन ने, और नाम किसे दिया है इसे, बैंडा ने। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। मजा आ रहा है, शेयर करते रहें। अगला सवाल, द टिश्यू इन ए मैन वेयर नो सेल डिविजन ऑकर्स आफ्टर बर्थ, यानी ऐसा सेल जहां पर जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव शरीर की वह उत्तक, मानव शरीर का वह उत्तक जहां जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं ना, तो हमारे शरीर में दो कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक है लीगामेंट और एक क्या है, टेंडन, है ना। और ब्लड जो है ना, ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड जो होता है इसकी स्टडी क्या कहलाती है, हेमेटोलॉजी कहलाती है ना। टेंडन जो होता है दोस्तों ये क्या करता है, बोन को किससे जोड़ता है, मसल्स से, है ना। और ये बना किससे होता है टेंडन, ये बना होता है इलास्टिन से, ये चीज़ें आपको पता है। लिगामेंट जो होता है ये क्या करता है, बोन को किससे जोड़ता है, बोन से। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है कोलाजन से, ठीक है ना। जब बात करते हैं दोस्तों जन्म के बाद जिस उत्तक में विभाजन नहीं होता वो कौन सा है, नर्व टिश्यू, यानी कि तंत्रिका उत्तक। इसलिए याद रखेंगे ब्रेन का जो पुनर्योजन शक्ति होता है, ब्रेन का जो पुनर्योजन शक्ति, रीजेनरेशन पावर होता है, वो क्या होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। जबकि सबसे अधिक रीजेनरेशन पावर किसका होता है, सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो किस में होता है, लीवर में। इसलिए इसकी पुनर्योजन शक्ति, रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होती है। जब हम बात करते हैं दोस्तों टिश्यू की, तो हमारा प्रश्न है टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है, यह आप लोग कमेंट में बताइए। व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू,
टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट में बताएं, और शेयर और लाइक भी करते रहें, मज़ा आ रहा है तो आप लोग शेयर और लाइक भी करते रहें सभी बच्चे वीडियो को, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा प्रश्न था टिश्यू की स्टडी और हमारे पास जवाब भी आ गया, बहुत अच्छे। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी या औतिकी कहते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, मानव मतलब ब्रेन का, मानव का ब्रेन जो होता है ना वो कितने भाग में डिवाइड होता है, तीन भाग में डिवाइड होता है ना। एक कौन सा होता है, फोर ब्रेन, एक कौन सा होता है, मिड ब्रेन, और एक कौन सा होता है, हिंड ब्रेन होता है ना। यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। ये फोर ब्रेन जो होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और इसी फोर ब्रेन में क्या होता है, एक तो डाई इंसेफलॉन होता है और क्या होता है, एक सेरेब्रम होता है। ये सेरेब्रम जो होता है यही हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, 2/3 ऑफ आवर ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन का 2/3 हिस्सा क्या होता है, वो सेरेब्रम। जबकि सबसे छोटा हिस्सा जो होता है ना वो कौन सा होता है, सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा क्या है, सेरेबेलम, जिसका काम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। मिड ब्रेन में एक हिस्सा पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। क्या नाम है जिसका, कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। और इस कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना का काम क्या होता है, ये देखने और सुनने के लिए, देखने और सुनने के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा हिंड ब्रेन होता है वहां पर क्या होता है, पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है, और क्या होता है, सेरेबेलम होता है, ठीक है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों कहां पर होते हैं, ये दोनों हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, इनर मोस्ट ब्रेन कवरिंग इज, जो ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है ना। ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, जो हमारा ब्रेन होता है, याद रखिएगा, ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एक ऐसे मेम्ब्रेन, एक कवर होता है हमारे ब्रेन के ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे एक मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएं और शेयर भी करते रहे सभी लोग, वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहे, ठीक है, शेयर और लाइक भी करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश लिंगला जी, जो ब्रेन का वेट होता है 2% ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारे बॉडी वेट का कितना, 2% होता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रेन का जो वजन होता है, जो इनर, जो ब्रेन का सबसे लेयर होता है ना ब्रेन के ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, क्या कहते हैं उसे, मेनिंग्स कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनिंग्स। और मेनिंग्स जो होता है ना उसके अंदर तीन लेयर होता है, समझिएगा, सबसे जो इनर लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पायामीटर, है ना, क्या बोलते हैं, पायामीटर। उसके बाद जो मिडल लेयर होता है ना, उस मिडल लेयर को क्या कहते हैं, मिडल लेयर इज कॉल्ड आर्केनॉइड, क्या बोलते हैं उसे, आर्केनॉइड कहते हैं। और जो सबसे आउटर लेयर होता है ना उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरामीटर। और इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, एक द्रव पाया जाता है, किसके किसके बीच में, पायामीटर और आर्केनॉइड के बीच में, जिस द्रव को क्या कहते हैं, सीएसएफ यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इस चीज को भी आपने याद रखना है। इस प्रकार अगर आपसे देखा जाए तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है भाई साहब, इसका सही उत्तर है पायामीटर। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता मिडल लेयर क्या है तो आर्केनॉइड हो जाता जवाब। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, तब आपका जवाब क्या हो जाता, ड्यूरा मीटर हो जाता। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, नर्वस सिस्टम कंजिस्ट ऑफ, यानी नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे शेयर भी करते रहिए वीडियो को, लाइक भी करते रहिए जितने बच्चे देख रहे हैं। बिल्कुल रवि सैनी जी, एस के शहीउद्दीन जी, बहुत बढ़िया, अनु रॉय जी, बहुत अच्छे, रेनू मलिक जी, शेयर करते रहे सभी लोग वीडियो को। वीरेन गेमिंग जी, निधि पांडे जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, वंदना प्रजापति जी, शेयर और लाइक करते रहिए सभी लोग।
यहां पर जब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, सीएनएस और क्या होता है पीएनएस। तो यहां पर जो सीएनएस है, सीएनएस में क्या होता है, सीएनएस में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जबकि जितने भी नर्व्स होते हैं चाहे पेरिफेरल नर्व्स हों चाहे ऑटोनॉमस नर्व्स हों, ये भी किसमें होते हैं, नर्वस सिस्टम के ही हिस्से होते हैं, लेकिन ये किसके पार्ट में, किस पार्ट में आते हैं, ये आते हैं किसमें, ये आ जाते हैं हमारे किसमें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी कि सभी जो है यहां पर इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सभी इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा। अब चलेंगे हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच नर्व्स आर अटैच्ड टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल, यानी कि कौन सा जो इसमें नर्व है वो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क से कौन सी नसें जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है। ऑप्शन है क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, थोरैक नर्व्स या सैक्रल नर्व्स। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग जवाब दें। बहुत बढ़िया मिथुन बायरवा जी, काजू चौहान जी, अर्पिता जी, ममता जी, बिल्कुल सही उत्तर है शिव कुमार जी, बहुत बढ़िया आर्टा मेहर जी, प्रशदीप खंडेलवाल जी, बहुत अच्छे दिव्य ज्योति पाल जी, मिश्रा फूकू जी, बहुत अच्छे सिमरन गांधी जी, अंशिका सिंह जी, अंकित शिवाजी जी, सभी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। जब बात करते हैं ब्रेन, ब्रेन के ऊपर एक, हमारे ब्रेन के ऊपर एक कवच होता है हड्डियों का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैनियम, और इसी क्रैनियम से मैंने आपको क्या बोला था याद रखने, क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स वही नर्व्स होते हैं जिसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 12 पेयर यानी 12 जोड़ी। और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 31 जोड़ी, 31 पेयर होती है। हमारा सवाल है आपसे, ये जो क्रैनियम है, क्रैनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बतानी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन क्रैनियम, क्रैनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यह आपको बताना है। और साथ साथ सभी ने शेयर भी करते रहना है, वीडियो को लाइक भी करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करते रहना है सभी बच्चों को, ठीक है। बहुत अच्छे, हमारा प्रश्न है कि क्रैनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। रितिका शर्मा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, योगेंद्र नैयर जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फूकू मिश्रा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शीतल बॉलीवल जी बहुत अच्छे, अलका चौरसिया जी बिल्कुल सही उत्तर है। कितने होते हैं याद रखिएगा, टोटल कितने बोन होते हैं, दैट इज 8 बोन। क्रैनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, इस तथ्य को याद रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स over which nerves impulses passes when going from one neuron to another next neuron is called, यानी कि किसी न्यूरॉन के अंदर जो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्स, एक्सॉन्स या जिसे हम लोग बोलते हैं नन ऑफ द अबव, कौन सा इसमें सही उत्तर है, यह आपको बताना है। बहुत अच्छे सालू कुमारी जी, पवित्र जी, बहुत अच्छे भरत अरिबिंद जी, बहुत अच्छे रॉबिन वर्गुइस जी, श्वेता मिश्रा जी, बहुत अच्छे, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, दिव्य ज्योति पाल जी बहुत बढ़िया, शेयर करते रहे सभी बच्चे। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, याद रखिएगा इसका सही उत्तर है क्या, दैट इज ऑप्शन बी, साइनेप्स, साइनेप्स इज द राइट आंसर। कोई भी न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, याद रखिएगा कोई न्यूरॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, इधर ऐसे न्यूक्लियस होता है इस तरफ ऐसे, और ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं, यहाँ पर जो ऐसे 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 निकला होता है इसे डेंड्रॉन कहते हैं, और ये जो टर्मिनल्स होते हैं जहाँ से क्या होता है, जहाँ से दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है उसे क्या कहते हैं, दिस से उसे हम लोग साइनेप्स कहते हैं, यानी कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, एक जो नर्व सेल है उसका स्ट्रक्चर है ये, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागा नुमा जो संरचना होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगले सवाल पर चलेंगे, पोन्स, शेरेबेलम एंड मेड्यूला आर द पार्ट ऑफ विच ब्रेन, अभी अभी इसकी चर्चा करी थी कि ये पोन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला ये किस मस्तिष्क का हिस्सा है, आपको बताना है। और शेयर और लाइक भी सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं शेयर और लाइक भी करते रहेंगे, लाइक और शेयर सभी बच्चे
करते रहेंगे। यहाँ पर जब बात करते हैं पोन्स, सेरेबेलम और मज्जा, ये तीनों किस मस्तिष्क का भाग है? भाई साहब फोरब्रेन में क्या होता है, इसमें तो एक सेरेब्रम हो जाता है और दूसरा क्या होता है, डाई इंसेफलॉन होता है। डाई इंसेफलॉन में ही क्या पाया जाता है, थैलमस, हाइपोथैलमस, है ना, है ना, इसी में क्या होता है आपका हिपोकैम्पस होता है इसी के अंदर, ठीक है ना, फोरब्रेन के अंदर ही। क्लियर है पॉइंट? और याद रखेंगे जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा क्वाडिजेमिना होता है और हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है दोस्तों, ये पॉन्स, सेरेबेलम और ये मेड्यूला, ये सभी किसमें पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं किसमें, ये पाए जाते हैं हिंड ब्रेन में या पश्चिम मस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अगले सवाल की। अगला सवाल, स्पाइनल कॉर्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, देखिए ये ब्रेन है ना, यहाँ तक ये ब्रेन रहता है ना, ये जैसे ब्रेन है तो ये किस पार्ट से, स्पाइनल कॉर्ड इस प्रकार से ऐसे हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच में होता है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन सवाल है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के किस हिस्से से निकलता है, आपको ये बताना है। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे ब्रेन के किस हिस्से से निकलता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल भरत हरि बिंद जी, शोबिन वरुगिस जी, के पायलवर जी, कुसुम सिंह जी, सुमित घोष जी, सभी बच्चे जवाब देंगे और शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग, लाइक भी करते रहेंगे। यहाँ पर जब बात करते हैं ना दोस्तों, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये किससे निकलता है, ये निकलता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा से। मैंने बताया भी था ये फोरब्रेन में सबसे लास्ट में क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, और जैसे मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा खत्म होता है ना तो वहीं से क्या निकलता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे दोस्तों अगले सवाल की। अगला सवाल, द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन द, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो कहां पर स्थित होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम, सेरेबेलम या डाई इंसेफलॉन। शेयर करते रहें, अभी अभी मैंने इसकी चर्चा भी करी है, अभी बताया भी है इसके बारे में आप लोगों को, शेयर और लाइक भी करते रहें जितने बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे बहुत बढ़िया। अंकित झा जी, कमल भंडारी जी, निरंजन सिंह चौहान जी, पूजा शेखावत जी, रवि सैनी जी, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। शीतल शर्मा जी, रिवाइज नहीं किया होगा आपने। बबीता कुमारी जी, प्रेम कुमार जी, श्वेता मिश्रा जी, योगेंद्र नैयर जी, राजीव माही जी, रवि शंकर पाल, ज्योति कनौजिया जी, बहुत अच्छे, फुको मिश्रा जी, रिया गुप्ता जी, नवीन विश्वकर्मा जी, काजू चौहान जी, मुकुल सरकार जी, राजकुमारी जी, रानी देवी जी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मजा आ रहा है ना, तो शेयर करते रहें सभी बच्चे वीडियो को। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये सेरेब्रम का पार्ट नहीं है, ये फोरब्रेन का पार्ट है, और फोरब्रेन में भी किसका पार्ट है, तो फोरब्रेन में भी याद रखेंगे डाई इंसेफलॉन किसका पार्ट है, डाई इंसेफलॉन का पार्ट है। और इस हाइपोथैलेमस, ये जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस का क्या काम होता है, ये ठंडा और गर्म का पहचान कराता है, ये ठंडा और किसका, गर्म का पहचान कराता है, याद रखेंगे कौन, थैलेमस, ठीक है। जबकि हाइपोथैलेमस का जानते हैं आप लोग, ये दर्द का एहसास कौन कराता है, पेन का एहसास वो कौन कराता है, थैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख तथा प्यास का एहसास कराता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, याद रखिएगा कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डाई इंसेफलॉन। और इसमें एक दोस्तों हिस्सा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमिगडला, ये जो एमिगडला होता है ना, ये इमोशनल करता है हमें, हमारे अंदर इमोशन को जनरेट करता है, कौन, एमिगडला, इस चीज को भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इसके आगे, अगले सवाल के। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसिडर्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ग फॉर ईटिंग आर कंटेंट इन। कितनी बार अभी तक मैं चर्चा कर ली हमने इसी सेशन में, कई बार इसकी चर्चा करी है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। और आज शाम में 7 बजे जो क्लास होगी वो होगी विटामिन्स की, विटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, वो थ्योरी हम लोग वहाँ पर पूरा डिटेल में देखेंगे। आज शाम में कितने बजे, 7 बजे विटामिन्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो शेयर और लाइक करते रहेंगे दोस्तों। शौकत अली जी, इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी सैटरडे को होती है, याद रखना है, कब होती है इकोनॉमिक्स की क्लास, सैटरडे यानी शनिवार को होगी। शेयर और लाइक सभी बच्चे करते रहिए वीडियो को,
ठीक है ना। यहाँ पर जब बात करेंगे इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री क्या होता है सेल्सियस होता है, ये होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे इसके आगे, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों वो क्या होता है, दैट इज़ याद रखना है कैल्विन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके अगले सवाल की। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट कनेक्ट्स द टू हेमीस्फेयर ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के दोनों हेमीस्फेयर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारे ब्रेन के दोनों हेमीस्फेयर को कौन कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। पूरा बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा, आपको विटामिन की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। विटामिन की क्लास आज शाम में 7 बजे है इसी चैनल पर, 7 से 8 के बीच है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, वही विटामिन का पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे तरीके से, टेंशन नहीं लेना है आपको। जो हमारा सेरेब्रम होता है ना, याद रखिएगा सेरेब्रम में ऐसे दो पार्ट होते हैं, जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट को कंट्रोल करता है, जो राइट पार्ट होता है ना, लेफ्ट पार्ट किसको, राइट को, और राइट पार्ट किसको कंट्रोल करता है, लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और इसे जो दो भागों में बांटता है ना उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉलोसम, क्या कहते हैं, कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। और इस सेरेब्रम का जो काम होता है याद रखिएगा, ये हमारे बुद्धि का केंद्र होता है, हमारे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी सेरेब्रम को ब्राउन मटेरियल भी कहा जाता है, हमारे शरीर का भूरा पदार्थ भी कहते हैं इसी किसे को, इसी सेरेब्रम को याद रखना है इस चीज़ को। तो इसका सही उत्तर भाई साहब क्या हो जाएगा, कॉर्पस कॉलोसम। हमारा प्रश्न है हमारे हार्ट को दो हेमीस्फीयर में कौन बदलता है, जो हमारा हार्ट है हार्ट को दो हेमीस्फीयर में बदलने वाला कौन है, यह आपको बताना है, बताना भी है, और साथ साथ वीडियो को आप लोगों को शेयर भी करते रहना है, ठीक है ना, शेयर और लाइक भी करते रहना है सभी बच्चों को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यहाँ पर हमारा सवाल है कि हार्ट को दो भागों में कौन बांटता है, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, वेरी गुड। कमलकांत मलिक जी, माला चौहान जी, योगेंद्र नैयर जी, सनी चौधरी जी, बहुत अच्छे, प्रदीप खंडेलवाल जी, बहुत अच्छे, सुमित घोष जी, प्रीति श्रीवास्तवा जी, रूबी धूरिया जी, अदिति भाकट जी, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे हमारे हार्ट जो है ना, हार्ट को जो दो भागों में बांटता है उसे हम लोग सेप्टम कहते हैं, कई बच्चे वॉल्व बता रहे हैं लेकिन वॉल्व नहीं होता है, और वॉल्व से याद रखेंगे हमारे हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं, और ये वॉल्व 24 आवर्स में 500,000 बार ओपन और क्लोज होते हैं, कितनी बार, 500,000 बार खुलते और बंद होते हैं ये हार्ट में जो 4 वॉल्व होते हैं, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की। अगला सवाल, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार की सुविधा कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या दोनों करते हैं या दोनों नहीं करते हैं, यह आपको बताना है, ठीक है। और साथ साथ सभी ने शेयर भी करते रहना है, लाइक भी करते रहना है सभी बच्चों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमरन गांधी जी, शांतनु जी, नृपेंद्र कुमार जी, मोहित कुमार प्रजापति जी, बहुत अच्छे, शिखा राजपूत जी, बहुत अच्छे, शीतल शर्मा जी, ममता शर्मा जी, बहुत अच्छे, शिव कुमार जी, बबीता जी, तपस दत्ता जी, आटा मेहर जी, रवि सैनी जी। जब हम बात करते हैं जो हमारे CNS से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक, जो वॉलेंटरी ऑर्गन तक पहुँचाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, है ना, क्या बोलते हैं उसे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारे CNS से कहाँ तक, CNS से नॉन वॉलेंटरी ऑर्गन्स तक जो क्या करता है वो पहुँचाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ये सोमेटिक और ऑटोनॉमस दोनों ही नर्वस सिस्टम ये किसके पार्ट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पारिधीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई साहब, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारिधीय तंत्रिका तंत्र। और याद रखेंगे वहाँ पर भी एक होता है सिंपथेटिक नर्व होता है, एक पैरासिंपथेटिक नर्व होता है, जो सिंपथेटिक नर्व्स होता है ना वो
उत्तेजित करने वाले सिग्नल यानी कि एक्साइट करने वाले सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होता है वो क्या करता है, वो रेस्ट यानी कि उसे डाउन करने वाले सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल, द मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, बहुत अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए और शेयर करते रहिए बच्चों, सभी लोग शेयर करते रहे वीडियो को, लाइक करते रहे सभी लोग, ठीक है, बहुत अच्छा। ब्रजेश आर्या जी, ममता शर्मा जी, पप्पू सैनी जी, अंजलि कुशवाहा जी, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। कल का जो सवाल होगा, कल हम लोग पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सवाल करेंगे, 25 या कल की क्लास में 30 क्वेश्चन होंगे पीरियोडिक टेबल से। तो कल का क्लास जो है पीरियोडिक टेबल, जिनको भी करना है वो आ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का मैंने कराया हुआ है एसएससी अड्डा पर, पीरियोडिक टेबल डाल लेंगे एसएससी अड्डा तो आ जाएगा, उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। अभी जैसे क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, पीरियोडिक टेबल का मैंने लेक्चर कराया हुआ है, आप उसे देख लें और कल फिर क्लास में आएँ तो मज़ा आएगा करने में, ठीक है। शेयर करते रहिए सभी लोग। जब मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज व्हाट, जो हमारे ब्रेन का सबसे मुख्य थिंकिंग पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम है। और सेरेब्रम भाई साहब किस ब्रेन का हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो यहाँ पर सबसे सही उत्तर जो होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, मिड ब्रेन नहीं बल्कि इसका सही उत्तर क्या होगा, दैट इज फोर ब्रेन, यानी कि बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वंदना प्रजापति जी, ब्लैक पैंथर जी, मनीष कुमार जी, लेतन गोल्डर जी, रवि सैनी जी, सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब हम लोग बात करते रहेंगे, इसके बाद चलेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आप लोग जवाब दीजिए। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन बैलेंस लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और राइडिंग अ बाइसिकल इज कॉल्ड, यानी कि जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हैं या फिर आप साइकिल जब चलाते हैं तो साइकिल को बैलेंस करते हैं, साइकिल के साथ साथ खुद को भी बैलेंस करते हैं, वो हमारे शरीर के, हमारे मस्तिष्क के किस हिस्से का काम होता है ये। साइकिल से याद रखिएगा, साइकिल की खोज करने वाले कौन थे, मैकमिलन। मैकमिलन नामक एक वैज्ञानिक ने क्या करी थी, साइकिल की खोज करी थी, ये चीज़ आप याद रखेंगे। या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब शराब कोई व्यक्ति पिया होता है, शराब पीते समय जो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, माने शराब पीने के बाद जो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है यह आपको बताना है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्या सही उत्तर होगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन छात्र सही जवाब दे रहे हैं और शेयर भी करते रहें सभी लोग वीडियो को। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेरेबलम। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं इसे, पीयूष ग्रंथि, है ना। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, याद रखिएगा, इसे मिनी ब्रेन भी कहा जाता है, छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ पर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि भी है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि भी है। और याद रखिएगा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे 9 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, लाइक कौन कौन से, इसी के द्वारा याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, इसी के द्वारा आपका कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो याद रखेंगे गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटेड हार्मोन सिक्रेट होता है, इसी से दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन सिक्रेट ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है, इसी से आपका याद रखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है, इसी से रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, इसी से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, इसी से एंटी डायोरेटिक हार्मोन सिक्रेट होता है। याद रखिएगा, ये सभी जितने भी हार्मोन्स हैं इसी से सिक्रेट होते हैं। कुल कितने प्रकार के, 9 टाइप के हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या, ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिनियल ग्रंथि है, पिनियल ग्लैंड को याद रखेंगे, ये क्या करता है, पिनियल ग्रंथि जो होती है इसे ह्यूमन का बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है पिनियल ग्लैंड को, क्योंकि ये सोने और जागने की स्थिति को नियंत्रित करता है, ये हमारे ब्रेन के सबसे ऊपर स्थित होता है। जब हम बात करते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, वो अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन को किसने डिस्कवर करा है ये आपको बताना है और साथ साथ शेयर भी करते रहना है सभी बच्चों को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है, ठीक है।
अब मोहित बॉक्सर प्रजापति जी, बिल्कुल आप एसएससी अड्डा चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको एसएससी अड्डा बायोलॉजी लिख देंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी बायोलॉजी की, चिंता मत कीजिए, ठीक है। रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, राकेश कुमार पौरवल जी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें, ठीक है ना। शेयर भी करते रहें दोस्तों वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करते रहें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक और शेयर भी करते रहिए। बिल्कुल, थर्ड आई भी कहते हैं पीनियल ग्लैंड। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी? सेल की खोज करी, वही सेल जिसकी स्टडी साइटोलॉजी। थियोफ्रास्टस ने क्या खोज करी? थियोफ्रास्टस ने दोस्तों, इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम। कौन सी किताब लिखी थी थियोफ्रास्टस ने? जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब लिखी थी। इन्हें बॉटनी का पिता कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ बायोलॉजी ये किसे कहते हैं? अरिस्टोटल या अरस्तू को कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। स्टीफन हेल्स ने दोस्तों किसकी खोज करी थी? ब्लड प्रेशर की। वही ब्लड प्रेशर जो एक सामान्य वयस्क का कितना होता है? 120/80। और स्टीफन हेल्स ने किस जानवर पर, घोड़े पर, ब्लड प्रेशर की खोज करी थी? यहाँ पर याद रखिएगा, रिफ्लैक्स एक्शन का जो पता लगाया था वो किसने लगाया था दोस्तों? वो लगाया था मार्शल हॉल ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्शल हॉल इज द राइट आंसर। हमारा प्रश्न है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस? जल्दी से बताएं, ब्लड प्रेशर जो है उसको किसने खोजा है? और याद रखिए, ब्लड प्रेशर जो है उसको किससे मेजर करते हैं? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखिएगा, वो कौन है? वो है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हमारा प्रश्न है ब्लड प्रेशर को मेजर किससे कहते हैं, ठीक है? मेजर किससे करते हैं, जल्दी से जवाब देंगे। और शेयर करते रहिए सभी लोग, ठीक है? बहुत अच्छे, अदिति भाकट जी बहुत बढ़िया, रूबी धूरिया जी ऑनलाइन, विद्यालय जी बहुत अच्छे, अर्पिता सरकार जी बहुत अच्छे, चुड़ैल की मौसी जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। तिवारी नेहा जी बहुत बढ़िया, नैन्सी सौरोद जी, पवित्र प्रधान जी, नितांत कात्यान जी, बिल्कुल आज नहीं हुई थी कात्यान साहब, ठीक है ना, उस समय मेरी कुछ पेड क्लासेस चल रही थी, है ना। स्फाइग्नोमैनोमीटर, बिल्कुल सही उत्तर है स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर से ही क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। शेयर करते रहे सभी लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग जवाब देंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है तभी आप लोगों को जवाब देना है जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आप लोग जवाब दीजिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसी तरह शेयर और लाइक करते रहें, ठीक है। शांतनु प्रधान जी, स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर से हम लोग क्या, दाब, प्रेशर को मेजर करते हैं, किससे? मैनोमीटर से। मैनोमीटर से प्रेशर को मेजर किया जाता है, याद रखिएगा। शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर जब बात करते हैं ना, इसका याद रखिएगा, जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही क्या आ जाता है? इसी के अंदर आ जाता है क्रैनियल नर्व्स आ जाता है, और इसी के अंदर क्या आ जाता है? इसी के अंदर आपका स्पाइनल नर्व्स आ जाता है, दोनों ही इसी के पार्ट हैं। यहाँ पर कई बच्चे 12 बताएंगे, हमको पता है, लेकिन ये क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर होती हैं, और ये कितनी होती है? 31 पेयर। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 31 + 12 आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यहाँ पर कई बच्चे ने 12 जवाब दिया है, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। डांस ऑफ ह्यूमर जी, विकास सांडिल्य जी, बिल्कुल 12 सही उत्तर नहीं है। अलका चौरसिया जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, राहुल बलियान जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तिनसा एला थॉमस जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शिव कुमार जी ने सही जवाब दिया है, के पाइलवर जी, बिल्कुल काफ़ी बच्चों ने सही जवाब दिया है, जी के शर्मा जी बहुत अच्छे, नवीन विश्वकर्मा जी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सनी चौधरी जी बहुत बढ़िया। शेयर और लाइक दो चीज़ आप लोग करते हैं। आनंद महतो जी, मज़ा आ रहा है सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके, अच्छा ये बताइए, हमारे शरीर के अंदर कितनी जोड़ी रिब्स होती है, पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है, देखते हैं कौन कौन बताता है, कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है हमारे शरीर के अंदर, ये आप लोग बताएं, ठीक है, कोई भी डाउट है बताना है आपको, ठीक है, और शेयर करते रहना है सभी को, ठीक है ना, लाइक और शेयर सभी बच्चों को करते रहना है, ठीक, बहुत अच्छा। सोनी साहू जी भी बहुत लेट से आप जुड़ी हुई हैं आज, है ना। शशि किशोर जी बहुत बढ़िया, ठीक है, कितनी जोड़ी होती है रिब्स, पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है
12 पेयर्स, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, ठीक है ना, 12 जोड़ी पसलियां होती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन ह्यूमंस, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो इंटेलेक्चुअल होता है ना, बौद्धिक केंद्र, जो कोई व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाला जो काम करता है वो किसके कारण करता है, कौन सा हिस्सा हमारे चलिए जवाब दीजिएगा इसका आप लोग जल्दी से, सभी बच्चे जवाब दें, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए कि हमारे शरीर के अंदर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल सही उत्तर है, इसका बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या है, सेरेब्रम, कई बार बताया गया है, सेरेब्रम इज़ द बौद्धिक केंद्र ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो बौद्धिक केंद्र होता है वो क्या होता है, सेरेब्रम होता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग इसके बाद के अगले सवाल की, इसी तरह आप लोग शेयर और लाइक करते रहिए सभी बच्चे, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच लॉब ऑफ ह्यूमन ब्रेन रिलेटेड टू हियरिंग, हियरिंग कैसे रिलेटेड कौन सा लॉब है आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएं सभी लोग, ठीक है, और शेयर भी करते रहें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहां पर जो हमारा सुनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, सुनने से संबंधित जो हमारा लॉब है वो कौन सा है, तो वो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है, दैट इज टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब जो है ये किससे संबंधित है, ये सुनने से संबंधित है, जबकि जो हमारा पैराइटल लॉब है ये छूने, जो स्किन को छूकर जो किसी चीज़ को सेंस किया जाता है वो किसके कारण, वो पैराइटल लॉब के कारण किया जाता है, इसकी भी आपको याद रखनी। अर्पिता सरकार जी, ये कल जो होगी, आई थिंक कल होगी, कल का टाइम आपको पता चल जाएगा, और मंडे टू फ्राइडे चलती रहती है हमारी क्लास, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती रहती है। हमारा प्रश्न है आप लोगों से, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बताएं, व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, फटाफट ब्लड का पीएच मान कितना होता है जल्दी से, कई चीज़ों का पीएच मान अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ। यूरिन का पीएच मान कितना होता है जल्दी से बताएंगे, अभी कई सारे सवाल अभी मैं आपसे वन लाइनर सवाल अभी आप लोगों से पूछने वाला हूँ, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, दैट इज 6। शेयर और लाइक इसी तरह सभी लोग करते रहें, और यूरिन का येलो कलर किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है, किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। हमारा सवाल है आप लोगों से, अगला सवाल जो हमारा आप लोगों से, ये बताएं कि जो हमारे शरीर का, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो आँख, आई जो है, आई के किस भाग पर इमेज फॉर्म होता है, आई के किस भाग पर इमेज फॉर्म होता है, ये आप लोगों को बताना है, आई के किस भाग पर, किस पार्ट पर इमेज बनता है, ये आप लोगों को बताना है, और शेयर भी करते रहना है सभी बच्चों ने, सभी बच्चों ने शेयर भी करते रहना है वीडियो को। हमारा अगला सवाल है आप लोगों से, यूरिया की जब अधिकता होती है तो इससे कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। राजकुमार सिंह जी, आप डालिए रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट एसएससी अड्डा डाल लीजिए राजकुमार सिंह जी, पूरा आ जाएगा, इंस्टीट्यूट और हेडक्वार्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट और हेडक्वार्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप खाली डालिए उस पर, डालें आप क्या डालें, अब उसके ऊपर डालें एसएससी अड्डा रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक आपको वीडियो मिल जाएगा, सारे रिसर्च सेंटर मैंने करा रखे हैं। शेयर और लाइक करते रहिए वीडियो को। यहाँ पर इमेज जो बनता है हमारे आई में कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, और याद रखिएगा यूरिया की अधिकता से बीमारी कौन सी होती है, यूरिमिया नामक बीमारी होती है। इसके अगर बाद की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि जो फेनोफ्थैलिन जो होता है, फेनोफ्थैलिन की जब बात करते हैं, फेनोफ्थैलिन का कलर बेस के साथ फेनोफ्थैलिन कैसा कलर देता है, जल्दी से जवाब दीजिए, बेस के साथ फेनोफ्थैलिन कैसा कलर देता है। ऐसे में अभी आपसे 5-6 सवाल और पूछने वाला हूं, जल्दी से बताइएगा, फेनोफ्थैलिन जो होता है बेस के साथ कैसा कलर देता है, एसिड के साथ ये फेनोफ्थैलिन जो होता है वो कलरलेस रहता है, लेकिन बेस के साथ कैसा कलर देता है ये बताइए।
केमिस्ट्री, ओम कुमार जी केमिस्ट्री एसएससी अड्डा डाल लीजिए, एसएससी अड्डा केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बाय ज्ञान प्रकाश झा, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश झा है, केमिस्ट्री बाय ज्ञान प्रकाश झा सर्च कीजिए आप यूट्यूब पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी केमिस्ट्री के लेक्चर्स की, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, शेयर करते रहें सभी बच्चे वीडियो को। बिल्कुल, कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है बेस के साथ। हमारा अगला सवाल है आपसे, जो या पोलियो का टीका, पोलियो का टीका किसने खोजा? अगला सवाल, पोलियो का टीका किसने खोजा है? जल्दी से जवाब दीजिए, पोलियो का टीका किसने खोजा है? फटाफट सभी बच्चे जवाब देते रहें और शेयर भी करते ना सभी लोग। ठीक है, सभी बच्चे जवाब देते रहें और शेयर भी करते रहें सभी लोग। जी एस बाय ज्ञान प्रकाश झा। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए, पोलियो का टीका किसने खोजा? नाम बिल्कुल अदिति भाकत जी डाल दीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट और उसके बाद लगा दीजिएगा बाय ज्ञान प्रकाश झा, आपको मिल जाएगा वीडियो। नाम के साथ कोई सब्जेक्ट डाल लीजिएगा या फिर सब्जेक्ट के बाद मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, पोलियो का टीका किसने खोजा है? तो पोलियो का टीका खोजा है किसने? जॉनस ई सॉक ने। जबकि हमारा अगला प्रश्न है आपसे कि जो पोलियो के बाद बताएंगे आप लोग, चेचक का टीका किसने खोजा? चेचक का टीका किसने खोजा है? जल्दी से बताइए, चेचक का टीका किसने खोजा है? फटाफट बताएं और शेयर लाइक इसी तरह सभी लोग करते रहें, शेयर और लाइक करते रहें सभी बच्चे। बिल्कुल, फिजिक्स का भी क्लास लिए हैं पुरुषोत्तम जी, फिजिक्स बाय ज्ञान प्रकाश झा सर्च कीजिए, पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी फिजिक्स की। ठीक है, आदित्य पाल जी आप डालेंगे आ जाएगा, ज्ञान प्रकाश झा साथ में सब्जेक्ट डाल लीजिए। धन्यवाद सनी चौधरी जी। ठीक है, बट्टू सेल्स जी बिल्कुल करवा देंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, चेचक का टीका किसने खोजा है? एडवर्ड जेनर ने। जबकि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का टीका किसने खोजा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोजा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हमारा प्रश्न है आपसे किस, याद रहे हमारा प्रश्न है ये बताएं कि जो बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका किसने ढूंढा है? बीसीजी का टीका किसने ढूंढा है ये बताइए। ठीक है, धन्यवाद अदिति भाकत जी। वो बस क्या है कि किताबों को, जितना ज़्यादा आप किताबों को वो करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होता है, अच्छा रहता है। ठीक है, धन्यवाद आदित्य पाल जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू। बीसीजी का टीका किसने खोजा, जो कि टीबी के उपचार में यूज़ करते हैं हम लोग इसे, ट्यूबरक्लोसिस के उपचार में, जिसमें बी से बैसिलस होता है, सी से कैलामेट होता है और जी से ग्यूरिन होता है, इस बीसीजी का टीका किसने खोजा आप लोग ये बताएं। वही टीबी जिसके लिए वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। टीबी का, बीसीजी का टीका किसने खोजा है ये बताइए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का टीका खोजा था, बिल्कुल सही बता रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का टीका खोजा था। जबकि बीसीजी का टीका किसने खोजा था? यूरिन कालमेंट ने खोजा था। किसने खोजा था? यूरिन कालमेंट ने बीसीजी का टीका खोजा था, याद रखिएगा। ठीक है, मोबाइल से ले सकते हैं, बिल्कुल राकेश कुमार जी मोबाइल से भी ले सकते हैं, याद रखिए मोबाइल से भी ले सकते हैं। अब आप लोग सभी लोग अपने मार्क्स एक बार बता दें, किसके कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं किसके 25 में, सभी लोग एक बार बताएंगे किसके कितने मार्क्स आए हैं, सभी बच्चे एक बार बताइए। बहुत अच्छे, भरत हरिबंद जी बहुत बढ़िया, सुनी साहू जी, बिमलेश वर्मा जी बहुत, रॉबर्ट कॉच ने याद रखिएगा टीबी और हैजा के जीवाणु को खोजा था, यूरिन कालमेंट ने खोजा था बीसीजी का टीका। योगेंद्र नैयर जी 22 मार्क्स है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अपने मार्क्स बता दें। पूजा शेखावत जी अच्छा 25 में 25, बहुत बढ़िया। सुमित घोष जी 22, पवित्र जी 19 में 25, आर्टा मेहर जी 22। क्यों आर्टा जी, 3 नंबर क्यों आपके कम हैं? आपने तो इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है फिर भी क्यों कमा रहे हैं? अर्पिता सरकार जी वेरी गुड 22, सुमित घोष जी 22, शिवम महापुर जी 19, सलका चौरसिया जी 23, स्मार्ट शुभम जी 22 20, सुमित घोष जी, रानी देवी जी 19। जिनका भी देखिए 20 प्लस है ना, ठीक है, बट नॉट मतलब इसमें हर एक क्वेश्चन आपके नोट से थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद की बात करें, आर्टा मेहर जी 22, ब्रजेश आर्य जी 20। चलिए तो दोस्तों सभी के बिल्कुल ठीक है, जिनके भी 20 से ऊपर हैं वो ठीक है, जिनका 20 से कम है वो रिवाइज करेंगे जाके। ब्रेन एसएससी अड्डा डालिए, दो दो लेक्चर्स हैं हमारे, वहाँ से जाकर आप पढ़िए, एक एक फैक्ट पूरा डिटेल में समझाया गया है।
ठीक है ना, नर्वस सिस्टम एसएससी अड्डा डाल लीजिएगा, वीडियो आ जाएगा, देखिएगा उसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग शाम की क्लास में 7 बजे। 7 बजे हम लोग विटामिन्स पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल में, तो मिलते हैं शाम की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सभी बच्चे, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, इसे क्या करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई भी डाउट है तो उसे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो क्या करें, एसएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों शाम की क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।